नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए पहले दिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंगलवार को डीआईजी की सुनवाई में एक विकलांग युवक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था। युवक ने अधिकारियों को बताया कि सूदखोर उसे अत्यधिक परेशान कर रहे हैं। प्रति मंगलवार को होने वाली डीआईजी जनसुनवाई में एक पाव से लड़खड़ाता सूदखोरों से पीड़ित युवक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। फरियादी ने बताया कि मैंने एक साहूकार से कुछ जरूरत पड़ने पर पैसे लिए थे। पैसे लेने के बाद मेरे द्वारा पैसे मूल राशि से भी अधिक लौटा दिए, पर साहूकार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए सावर थाने पर भी गया था। थाने पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। आज जनसुनवाई में क्यों आए आप? मैं सूदखोरों के खिलाफ आया था आवेदन देने, सावर थाने पर गया था आवेदन देने। वहाँ पर सुनवाई नहीं होती हमारी, दो तीन बार गया और बोलते कि हाँ कर लेंगे, बिना देन देन काम चलता नहीं, बोले तू हमारी कुछ व्यवस्था करो, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। क्या क्या व्यवस्था करने की बात करेंगे? वो बोलते तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सामने वाले को बुलाते, उसके साथ गले में हाथ डालते, चाय वाय पीते होटलों पर, और मेरे को बिठा रखते और वापस घर पहुँचाते, बोले जाओ हम देख लेंगे मामला। कितनी बार गए थे आप थाने में? दो बार चला चुका, तीन बार जा चुका हूँ। तीन बार, उसके बाद में भी अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के दौर में बिना बैंड बाजे के एक अनोखी बारात निकली। दूल्हा शेरवानी में दौड़ता दिखा और उनके पीछे 50 से ज्यादा बाराती भी ऐसा ही कर रहे थे। ये बारात गणेश नगर में रहने वाले फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवीय की थी। उन्होंने शहर के दशहरा मैदान से संगम नगर तक 11 किलोमीटर दौड़कर बारात निकाली। दुल्हन निकिता बिलोरे ने कहा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी बारात ऐसे आएगी। दूल्हे ने बताया, मैं अपनी शादी को खास बनाना चाहता है, इसलिए शादी के लिए बारात दौड़ते हुए ले जाने का प्लान किया। वहीं दुल्हन निकिता बिलोरे भी अपने पति के सरप्राइज से काफी खुश नजर आई। नीरज बताते हैं कि मैंने शादी में कुछ अलग करने का विचार बनाया था। शुरू में परिवार के कुछ सदस्यों ने विरोध भी किया, लेकिन जब उन्होंने मेरी मंशा जानी तो वे मेरे इस फैसले के साथ हो गए। हालांकि घर से बारात घोड़ी पर ही बैठकर निकली। जैसे ही हम पास की सड़क पर पहुंचे, हमने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। 18 से 70 साल के सभी उम्र के लोग बारात में थे। सभी ने स्वेच्छा से साथ दिया, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इस बारात का ड्रेस कोड हमने पीली टी-शर्ट रखा। ये हम दौड़ते हुए बारात लेके जा रहा हूँ। ख्वाहिश थी बचपन से कुछ शादी में डिफरेंट करूँ, और चूंकि मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ तो लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयरनेस के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग वर्कआउट पर ध्यान नहीं देते, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस ही नहीं कर रहे हम लोग। लोग बहाने बताते हैं, आज शादी में जाना था, आज वहाँ जाना था, आज वो फंक्शन था, आज ऑफिस वर्किंग ज़्यादा था, पर इन सब के बाद भी हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं यही दिखाने के लिए खुद की शादी में रन करते हुए जा रहा हूँ। लगभग ये 10 से 12 किलोमीटर का रन है, वो 50 से 70 बराती साथ में रन कर रहे हैं। ये एक्चुअली शुरू से ही माइंड में कुछ था कि कुछ डिफरेंट करूँगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ हो, और एक फील्ड, जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड के अकॉर्डिंग करना चाहता था मैं। तो ये आइडिया मन में आया और फिर हम लोगों ने प्लान किया, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा काफ़ी मदद किया, और उसके बाद में फैमिली मेम्बर ने उससे ज़्यादा मदद किया कि इस चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया और बोला कि हाँ आप करो, हम साथ में। दीदियाँ, जियाजी, मामा, हमारे साथ में भाई वगैरह सारे रन कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में भी सभी लोग दौड़ते हुए इस बारात में शामिल हुए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है पर्यावरण के लिए और हम उसका स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो उसके लिए भी बहुत अहम चीज़ है ये, और हम सबको ये इसमें सहयोग करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली ये मेरा यंगर ब्रदर है, हमें इसका प्रस्ताव लगा। इसने बहुत टाइम पहले मुझे बताया था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं रनिंग करवाते हुए ले जाऊँ। बहुत टाइम से इंदौर में कोचिंग दे रहा है फिजिकल ट्रेनिंग की, दशहरा मैदान पर ये फ्री कोचिंग चलाते हैं। ये सब जो भी हैं एजेड लोग, जितने भी येलो टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं ये लोग। जैसे इसका लगा हमें कि हाँ यार बहुत अच्छा वो है, ये इसका एक माइंड में इसके कुछ भी नई चीज़ आई कि हाँ करना चाहिए इसको। सब लोगों ने मना करने का किसी के मन में ख्याल नहीं आया, वो चीज़ सब ने हाँ ही की। इसके साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त, वही हमें इंदौर करना है। इंदौर हो ही रहा है, आप लोग जानते हैं, उसके लिए भी अभी बहुत सारे, हमारी शादी में 16 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है, पूरा प्लास्टिक मुक्त है, कुछ भी चीज़ नहीं है हमारे पास प्लास्टिक की, पूरा स्टील का बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल तक भी नहीं लिया। नीलेश चौहान।
ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने भारत सरकार से मूंग की दाल आयात करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में अधिक वर्षा होने के कारण मूंग की फसल खराब हो गई, जिससे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से 2,00,000 मेट्रिक टन मूंग आयात करने की मांग की। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और मूंग व्यापारी अनिल खंडेलवाल ने बताया कि मूंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में कमी होने के कारण मूंग के भाव पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। मूंग की फसल कम होने से मूंग का भविष्य तेजी सूचक बताया जा रहा है। देखिए, इस बार तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में काफी बारिश हुई है, उसके कारण इन राज्यों में मूंग की खराबी आई है और राजस्थान में भी मूंग पैदा होता है तो वहाँ भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उरे दाल जो हर साल उत्पादन होता है उसमें काफ़ी कमी आई है। हम मानते हैं कि 15-20% उत्पादन इस वर्ष घटा है, जिसके कारण मूंग में कुछ सुधार भी हुआ है। अब फसल मूंग की देखा जाए तो 3 तरह की आती है, बारिश की, सर्दी की, गर्मी की। तो जो सर्दी की फसल है वो बारिश की फसल है, ये दोनों में नुकसान हुआ है। अब गर्मी की फसल अगर अच्छी आती है तो मार्केट में स्थिरता बनी रहे। क्या भाव चल रहा है अभी मूंग का? मूंग का भाव अभी चल रहा है वर्तमान में 7,000 से 7,200 रुपये, क्योंकि जो नागौर है राजस्थान में, मेड़ता सिटी है, यहाँ का मूंग अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, तो वो 7,200 से लेकर 7,000 तक मूंग इस समय बिक रहा है। और भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य भी 6,925 रुपये निर्धारित किया है। पिछले 3 वर्षों से किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण कुछ किसानों ने मूंग के उत्पादन में कम रुचि ली, इसलिए भी उत्पादन बढ़ा, क्योंकि 3 साल में नुकसान ही नुकसान दिया है और 6,900 का भाव पिछले 3 वर्ष में कभी नहीं आया। अब जाके जब किसान ने उत्पादन कम किया, बारिश से फसल खराब हुई है, मौसम से फसल खराब हुई है, तो जाके आज भारत सरकार के समर्थन मूल्य तक मार्केट आया है। आयात नीति के मूंग के आयात के लिए सरकार ने इस बार 1,50,000 मेट्रिक टन मूंग आयात करने का फैसला दिया था और उसमें काफ़ी मूंग आ भी गया है। अब हमने भारत सरकार से फिर अनुरोध किया है कि फसलें खराब होने के कारण 2,00,000 मेट्रिक टन मूंग का आयात देश के अन्य देशों से फिर करना चाहिए। उस संबंध में मैंने मंत्री जी से भी निवेदन किया, अभी मंत्री जी इंदौर आए थे और हमने राइटिंग में भी पत्र भेजा है, पासवान जी से भी अनुरोध किया है लिखित में। अगर सरकार आयात के लिए 2,00,000 मेट्रिक टन की अनुमति देती है तो जून तक जो गर्मी में आयात होगा तो उसमें बाजार में तेजी आने की संभावना पर ब्रेक लगेगा और उपभोक्ता को उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और सरकार का भी पक्ष है कि भाई अगर 2,00,000 मंगाते तो जो अभी दाल मिल वालों को मूंग नहीं मिल रहा है तो उनको अपने दाल मिल चलाने में कोटा अगर मिलता है तो उससे दाल इंडस्ट्री में मूंग का मोगल बनाने में सहूलियत होगी, और अगर नहीं होता है तो फिर इंडस्ट्री चलाने में रुकावट भी आएगी, प्रोडक्शन में भी गिरावट आएगी और मार्केट भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए सरकार को ये 2,00,000 मेट्रिक टन मूंग का कोटा अतिशीघ्र जारी करना चाहिए। क्या जा सकता है? अभी आपने बताया कि मूंग की फसल कम है तो उससे भविष्य का देखना, भविष्य आगे चल के तेजी के आसार अत्यधिक लग रहे हैं, हो सकता है कि कच्चा माल हम 100 रुपये किलो भी बिक सकता है यदि बाहर से नहीं लाया गया है, तो ये काफ़ी तेज उपभोक्ताओं को माल मिल पाएगा, इसलिए आवश्यक है फिलहाल, क्योंकि जितना भी स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बाजार में। आपका नाम? अनिल खंडेलवाल। दोपहर न्यूज के लिए संजय अग्रवाल और स्वदेश गौर की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में आज तानाजी फिल्म का जलवा रहा। क्षेत्र के बच्चे जहां शिवाजी व तानाजी मालुसरे के वेशभूषा में विधायक रमेश मिंदुला के साथ फिल्म देखने पहुंचे, वहीं जमकर मस्ती भी की। इंदौर विधानसभा 2 के विधायक रमेश मिंदुला ने बताया कि आज मंगल सिटी सिनेमा घर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों द्वारा युवाओं को, बच्चों को तानाजी मालुसरे के जीवन पर बनाई गई फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर फिल्म दिखाई गई। भाजयुम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने अजय देवगन की फिल्म तानाजी देखी। फिल्म देखने से पूर्व सभी सिनेमा हॉल के बाहर एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपाइयों ने 17वीं शताब्दी के वीर मराठा साम्राज्य के सेनापति और वीर शिवाजी के करीबी मित्र तानाजी मालुसरे के जीवन पर बनी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग भी की। आपको बताना चाहेंगे कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को राजनीति के चलते एमपी में कांग्रेस सरकार ने तुरंत टैक्स फ्री कर दिया था।
फिर भी अजय देवगन और सैफ अली खान की तानाजी के सामने बुरी तरह पिट गई है। इस दौरान विधायक के साथ ही युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी भगवा साफा बांधकर सिनेमा हॉल पहुंचे और फिल्म देखी। पूर्व विधायक रमेश मिंदला ने कहा कि इतिहास को जानने के लिए और देश में शहीद हुए वीरों ने जो प्राण गंवाए हैं उनकी कुर्बानियां समझने के लिए सभी को फिल्म तानाजी देखना चाहिए। वहीं मिंदला ने तानाजी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की बात कहते हुए कहा कि वह इस बात को सरकार तक ले जाएंगे और मांग करेंगे कि मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे के जीवन पर बनी इस फिल्म को बच्चों को दिखाने के लिए प्रेरित किया जाए और फिल्म को जल्द से जल्द टैक्स फ्री मध्य प्रदेश में कर दी जाए, जिसके बाद सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी इस फिल्म को दिखाया जाए ताकि सभी मराठा योद्धा के जीवन और देश प्रेम को समझने के साथ ही इतिहास के बारे में जानकारी ले सके। इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में हनी ट्रैप से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें हरभजन सिंह सिटी इंजीनियर द्वारा हनी ट्रैप मामले पर मीडिया ट्रायल पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस पर आपत्तिकर्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ऐसे सार्वजनिक मामलों पर मीडिया ट्रायल पर रोक नहीं लगाया जा सकता। वहीं दूसरा आवेदन कोर्ट की अवमानना से जुड़ा था, जिसमें एसआईटी सदस्य बदलने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेना जरूरी था, लेकिन पलासिया थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया को बदलकर विनोद दीक्षित को चार्ज सौंपने पर बहस हुई, जिसमें मौखिक रूप से शासन ने बताया कि निरीक्षक एसआईटी सदस्य नहीं है। दोनों ही मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं हनी ट्रैप से जुड़े मामले में एक और नया मामला प्रकाश में आया है। इसके तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर हनी ट्रैप से जुड़े मामले में समस्त दस्तावेजों की मांग की। दरअसल इससे पहले ईडी ने एसआईटी से हनी ट्रैप से जुड़े मामले में अधिकारी और नेताओं सहित अन्य लोगों के समस्त सीडी और दस्तावेज की मांग की थी, जिसे एसआईटी ने देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जो था एक याचिका जी भारत सरकार की ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से पेश की गई थी, उनका एक उनकी निवेदन ये था कि एसआईटी से मनी ट्रैप से संबंधित अधिकारियों की और आरोपियों के ने जो धन लिया या दिया है उसकी पूरी जानकारी, लिए गए बयान, जितने 90 जो डिस्क थी, जितने वीडियो क्लिपिंग्स थे, पेन ड्राइव्स थी, ये सब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे एसआईटी ने देने से इनकार कर दिया। तो उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से तो ये कहा कि ये देना पड़ेगा, परंतु आदेश के लिए लंबी थे। आदेश आने के बाद ये हुआ, क्योंकि अपराध एक अलग है, परंतु अपराध में जो मनी का उपयोग हुआ है, अय्याशी के लिए जो अधिकारियों ने करोड़ों रुपया ब्लैकमेलिंग के अंतर्गत दिया है, तो वो रुपया ब्लैकमेलिंग के अंतर्गत दिया वो कहाँ से आया, वे धन उसका सोर्स के लिए ईडी को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है और क्रिमिनल केस फेरल समांतर अलग से चलाने का अधिकार है, और जिनको दिया गया है उनसे भी, चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग है तो उनसे भी के खिलाफ भी केस चलाने का अधिकार है। इसलिए न तो दस्तावेज देने से मना किया जा सकता है, और इसमें एसआईटी और मध्य प्रदेश सरकार की जो आईएएस और आईपीएस लॉबी है, उस लॉबी के द्वारा जो अपराध अपने छिपाए जा रहे थे वो अब छिपाए नहीं जा सकेंगे और उजागर होंगे। श्री सदगुरु साईनाथ सेवा समिति द्वारा लगातार 9 वर्षों से साईं बाबा मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी आयोजन स्थल अरविंद अस्पताल के पीछे भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष और साईं भक्त नेमीचंद नायक ने बताया कि सदगुरु साईनाथ सेवा समिति बीते 9 सालों से सावेर रोड स्थित काकाश्री पेट्रोल पंप के पीछे मंदिर परिसर पर कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर गन्नू महाराज की भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बाबा की प्रतिमा और मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। पिछले 9 वर्षों से सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के माध्यम से
सदगुरु साईनाथ मंदिर की स्थापना 26 जनवरी को हमने की थी, उसी को लगातार प्रयास करके सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के नेतृत्व में हर वर्ष भंडारा एवं भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। इस वर्ष भी भजन संध्या श्री हमारे गन्नू महाराज के मुख द्वारा गायक प्रस्तुति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम राधा कृष्ण की झांकियों की प्रस्तुति भी होगी व महाआरती का भी आयोजन रखा गया है। उस आरती का लाभ लेने के लिए सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करते हैं सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के माध्यम से कि वो अधिक से अधिक तादाद में आकर भंडारे का लाभ लें, वह भजन संध्या का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और धर्म के प्रति आस्था जगाएं। नेमीचंद नायक, सदगुरु साई समिति के अध्यक्ष। देश को देश का जनक SCA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे पहले सिटीजनशिप का एक्ट भारत में लागू हुआ है 1951 में, जो पहली सरकार यहाँ बनी थी। पूरे देश में जितने आबादी है उसका सिटीजनशिप क्या क्या है इसके लिए पहले सर्वे हो गई है। जैसे 1952 to 55 तक 3 साल में लैंड का सर्वे हुआ था, वैसे 1950 से 1951 तक 2 साल में पूरा जनगणना का इस देश में हुआ है। अब उसको अमेंडमेंट कर रही है आज की केंद्र सरकार, अमेंडमेंट इस बेसिस पे कर रही है कि ये फिर जनगणना करना चाह रहे हैं। उसमें कुछ कॉलम्स जैसे है जिसके पास कोई एविडेंस नहीं है। अब देखो, मेरा उम्र 48 ईयर्स है, मेरा पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मैं कैसे ला सकता हूँ? मेरा पिताजी का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो नोमैड थे, नोमैडिक ट्राइबल थे, एक जगह से दूसरे जगह जाता थे। मेरे दादाजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से ला सकते हैं? क्योंकि उसमें जैसे कुछ कॉलम्स है, वो कॉलम बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने वाले हैं। और इस कुछ लोग ये मुस्लिम और हिंदू का कन्वर्ट करने का बात कर रहे हैं, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये है बिछड़े जातों का नुकसान करने का कॉलम्स है इसमें, आइटम्स है वो। अब DNTs है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, 12% की आबादी है इस देश में, वो नहीं बताएगा। ट्राइबल्स है, जो ट्राइबल्स है हिल एरिया में रहते हैं, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले सका? इसीलिए केंद्र सरकार जो उसमें पॉइंट लगा रहे हैं, ये पॉइंट को बदलना पड़ेगा। हाँ, देश की जनता की जनगणना करना अच्छा है, अगर कितना है, कौन कौन है, ये जानना बद में। और इसमें सरकार और भी बात बोल रही, प्रधानमंत्री जी और भी बात बोल रही है, दूसरे देशों से, पाकिस्तान से आए वाले, बांग्लादेश से आए वाले, ये लोगों को इनके बारे में करे। तो पाकिस्तान से कौन आया था और बंटवारा में कौन, वहाँ से हिंदू लोग आए थे, सिख आए थे पाकिस्तान से, जो बंटवारा हुई थी, मुस्लिम तो नहीं आए थे, मुस्लिम इधर से गए थे। ये मुस्लिम हिंदू का इश्यू नहीं बनता है। और जय 1970 जो तूर्प पाकिस्तान को इंदिरा गांधी के टाइम पे जो बांग्लादेश बना गया, जब वहाँ से कौन लोग आए थे? वहाँ तो भी यही ज़्यादा लोग हमारे हिंदू लोग आए थे। इसीलिए हिंदू मुस्लिम का मसला नको करो इसको। केंद्र सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे देश की 130 करोड़ का आबादी टेंशन में है, सरकार की जिम्मेदारी होती है हर कोई नागरिक इस देश में आज़ाद से जिए और कॉन्फिडेंस से जिए, उनका काम उन्हों करके पैसे कमाएं। मगर सरकार खुद पब्लिक को टेंशन में डालने का अच्छा सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए इसमें जो कॉलम्स है, जो ऑब्जेक्शनेबल है, उसके लिए आप कैबिनेट सब कमेटी लगाओ, वो कॉलम्स को निकालो और जैसे पहले था उससे बेहतर क्या कर सकते हैं सोचो। मेरा नाम बेल्लैया नायक है, आदिवासी कांग्रेस का नेशनल वाइस चेयरमैन। सोमवार को महू रेलवे स्टेशन पर उस वक्त थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया जब डेमू ट्रेन के पहिए में अचानक जोरदार चिंगारियां निकलने लगी। हालांकि इस घटना को देखने के बाद तत्काल उस पर काबू कर लिया गया। ये घटना महू रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, जहां डेमू ट्रेन के ब्रेक मारते ही कुछ यात्रियों ने जब इस तरह का नजारा देखा तो थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। हालांकि घटना मामूली बताई जा रही है। मंडल के जो महू स्टेशन है डॉक्टर अंबेडकर नगर, वहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होना था 10:45 पर, तो उसके ब्रेक ब्लॉक कुछ जाम होने के कारण तो स्पार्क हुआ था, तो रेल प्रशासन ने उसको तत्काल प्रभाव से रोक के और उसके ब्रेक ब्लॉक को रिलीज़ किया और उसके बाद में गाड़ी को आगे रवाना किया। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से उसको हम लोगों ने करीब आधा घंटे तक उसका मुआयना किया और उसको परफेक्ट पोजिशन में आगे के लिए रवाना किया गया था। महू से दोपहर न्यूज़ के लिए रवि धीमान की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दोपहर न्यूज़।
माँ अहिल्या की पावन धरा पर देश के दो सुप्रसिद्ध भजन सम्राट एक ही मंच पर भगवा रंग मेरा भूला है भंडारी के संग हंसराज रघुवंशी एवं शहनाज अख्तर की दमदार आवाज में भव्य भजन संध्या। ओ मेरा भोला है भंडारी ये भगवा रंग ये भगवा रंग। ब्रह्मलीन श्री हर्षवर्धन सिंह बैस हनु भैया की पावन स्मृति में भव्य भजन संध्या, साथ ही लाफ्टर शो किंग सुनील पाल के साथ गुदगुदाएंगे आप और हम। दिनांक 25 जनवरी समय शाम 7 बजे, स्थान किला मैदान रोड इंदौर। अतः आप सभी धर्म प्रेमी जनमानस सादर आमंत्रित हैं। आयोजक चंदन सिंह बैस, अध्यक्ष संस्था हर्ष, निवेदक दिग्विजय सिंह बैस, अनुभव वर्मा मित्र मंडल। निशुल्क पास हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-93-0073। बुलेटिन में ब्रोक करते हैं अन्य शहरों से जुड़ी खबरों की। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले थाना मानधाता में स्कूली विद्यार्थियों ने पहुंचकर वहां की जानकारी एकत्रित की। इस कार्य में उन्हें थाना प्रभारी का पूरा सहयोग मिला। रैली के रूप में थाना मानधाता परिसर पहुंचे छात्र छात्राओं को थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार एवं स्टाफ में मानधाता में होने वाले कार्य, मालखाना, आरोपी को रखने वाला कक्ष, वायरलेस सेट, कंट्रोल रूम सहित पुलिस से सुरक्षा एवं यातायात नियम के साथ अनेक जानकारियां दी गई। छात्र छात्राओं ने भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी से कई सवाल पूछे तथा छात्र छात्राओं ने भ्रमण के दौरान मिली जानकारी के बाद कहा कि स्कूल प्रबंधन की इस प्रकार की गतिविधियों से जनरल नॉलेज मिलता है। इस अवसर पर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक रामावती कनेर व स्टाफ मौजूद था। पुलिस क्रेडिट योजना के तहत 4-5 स्कूल हमारे क्षेत्र की चयनित की गई है, उसमें बच्चों को ऐसे महीने 2 महीने में भ्रमण कराते रहते थाने पे और थाना पे बुला करके उनको पुलिस की रूटीन की कार्रवाइयां हैं उस समय में थोड़ा सा समझाते हैं बच्चों को, और जो भी मतलब उनके साथ में कोई घटना दुर्घटना गुड टच बेड टच इस संबंध में थोड़ी थोड़ी जानकारियां देते रहते हैं हम लोग। शासन की एक योजना है पुलिस क्रेडिट योजना, इसके अंतर्गत जितने भी अपराध वगैरह होते हैं थाने की जानकारी होती है, ये सारे बच्चों को अभी से सिखाया जा रहा है। बच्चे पुलिस से डरे नहीं, कोई भी यदि उनसे कोई घटना घटती है तो वो मतलब फ्रेंक होके उनको बताए, थाने में आके बताए, टीचर को बताए, जो भी उनके नजदीक हो बड़ों को बताए। यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों को कि यहाँ मतलब अपराध होते हैं या कुछ होता है तो बच्चों को किस कैदियों को किस प्रकार रखा जाता है, कहाँ रखते हैं, कैसे उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है। यहाँ के हमारे जो टीआई साहब है उनने बहुत अच्छी जानकारी दी और सारे स्टाफ को मैं धन्यवाद। मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, हमें थाने के भ्रमण के लिए हम आए हैं बाकी सारे विद्यार्थी, और हमें यहाँ बताया कि कैसे हम चोरों को पकड़ते हैं और कैसे उनसे कार्रवाई करते हैं और कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, और हमारे यहाँ प्रोटेक्शन के लिए बताया उनको कि गन होने और हथियार वगैरह सब माल खाने में रखे हुए हैं। रोहित से हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज होती है और क्या क्या समझाते हैं और महिलाओं के लिए क्या क्या सुरक्षित है, कौन हमें गुड टच करता है और कौन बैड टच करता है वो भी बताया, और हमें इन सारी चीजों के लिए चुप नहीं रहना चाहिए। दोपहर न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। हरदा जिले में प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा जिला योजना समिति की बैठक लेने आए थे। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में किसान कांग्रेस महासचिव शैलेंद्र वर्मा प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा को अपनी शिकायत बता रहा था, लेकिन इस दौरान बात थोड़ी बिगड़ गई। शिकायतकर्ता युवक ने कहा कि उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा एक मिनट रुको, लेकिन युवक लगातार जोर जोर से बोले जा रहा था।
इससे नाराज हुए प्रभारी मंत्री ने और जमकर फटकार लगा दी। इस पर पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर युवक को वहां से बाहर निकाल दिया। युवक हंगामा करने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मार क्यों रहे हो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। युवक का कहना है, मैं अपनी समस्या बता रहा था। मैं सब कलेक्टर महोदय और इसके साथ में सबसे परेशान हो गया, पागल हो गया मैं, आवेदन और निवेदन कर करके। और आप लोगों के लड़के हो, आप लोगों के साथ छोटे और आम मिठाई खिला रहे हो उनको, वो लोग मेरे साथ गुंडाई कर रहे हैं। साहब ये देखिए, नहीं सर हम लोग बहुत परेशान, नहीं सर ऐसे नहीं चिल्ला गया आप, नहीं ये कौन सी बात होती है, कौन सी बात होती है, बात है सर, ये बिल्कुल अन्याय है सर, ये नहीं सर बिल्कुल अन्याय है सर, सर बिल्कुल अन्याय है सर, नहीं सर बिल्कुल अन्याय है सर, ये नहीं सर, नहीं बिल्कुल अन्याय, दुगने के लिए क्या हो रहा है आपके साथ, नहीं सर ये बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा सर, दुगने जी मैं मुझे कोई नहीं हाथ लगाएगा, मुझे सर खरगोन के बड़वा अनुविभाग के बलवाड़ा में सीआईएसएफ की फायरिंग रेंज के समीप एक खेत में जबरदस्त विस्फोट से 12 वर्षीय बच्चे मोहित पिता सुरेश की मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति नारायण पिता गुड्डा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे बलवाड़ा शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मृतक का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़वा एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित बलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस ने मृतक के अंगों को समेटकर पीएम के लिए बड़वा के शासकीय अस्पताल भेजा। एसडीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि खेत में हुआ शक्तिशाली विस्फोट अज्ञात है। खरगोन की एफएसएल टीम मामले की जांच करने के बाद ही घटना का खुलासा होगा। एक पानी पीने गया और वो एक पास में बैठा था वहीं पे, और वो आवाज आई तो मैंने वापस फेर कर देखा तो एकदम से समझा फिर बस इतनी आवाज आई ना, क्या हो गया एकदम से। क्या कर रहे थे बच्चे यहाँ पर? कुछ नहीं, इधर से जा रहा था मैं, वहाँ पानी पी रहा था। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा कहीं निकल रहा था, वो जा रहा था बस। क्या नाम आपका? महेश। महेश पानी पीने गया और वो एक पास में बैठा था वहीं पे, और वो आवाज आई तो मैंने वापस फेर कर देखा तो एकदम से समझा फिर बस इतनी आवाज आई ना, क्या हो गया एकदम से। क्या कर रहे थे बच्चे यहाँ पर? कुछ नहीं, इधर से जा रहा था मैं, वहाँ पानी पी रहा था। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा कहीं निकल रहा था, वो जा रहा था बस। क्या नाम आपका? महेश। महेश। दोपहर न्यूज के लिए बड़वा से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। माँ अहिल्या की पावन धरा पर देश के दो सुप्रसिद्ध भजन सम्राट एक ही मंच पर, भगवा रंग मेरा भूला है भंडारी के संग हंसराज रघुवंशी एवं शहनाज अख्तर की दमदार आवाज में भव्य भजन संध्या। ओ मेरा भूला है भंडारी, ये भगवा रंग ब्रह्मलीन श्री हर्षवर्धन सिंह बैस हनु भैया की पावन स्मृति में भव्य भजन संध्या, साथ ही लाफ्टर शो किंग सुनील पाल के साथ गुदगुदाएंगे आप और हम। दिनांक 25 जनवरी समय शाम 7 बजे, स्थान किला मैदान रोड इंदौर। अतः आप सभी धर्म प्रेमी जनमानस सादर आमंत्रित हैं। आयोजक चंदन सिंह बैस, अध्यक्ष संस्था हर्ष, निवेदक दिग्विजय सिंह बैस, अनुभव वर्मा मित्र मंडल। निशुल्क पास हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें 888-9300-73।